हम सीखेंगे हेयर्स वाले कुछ सेंटेंसेस, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां हमें अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा सेंटेंसेस बोलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कहना हो, ये रही आपकी कॉपी, ये रही आपकी किताब, ये रहा आपका पैसा, ये रहा आपका टिफिन, ये रहा आपका मोबाइल, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे हेयर इज योर कॉपी, यानी हेयर्स योर कॉपी। इसका मीनिंग हुआ, ये रही आपकी कॉपी। अगर आपको कहना हो ये रही आपकी मोबाइल, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हेयर्स योर मोबाइल, यानी ये रही आपकी मोबाइल। ये रहा आपकी तनख्वाह, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हेयर्स योर सैलरी, यानी ये रहा आपका तनख्वाह। कई बार आप अपने लाइफ में कहते हैं एक आखिरी बात, जैसे एक आखिरी बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हेयर वन लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू मेंशन, यानी एक आखिरी बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। अगर आपको कहना हो एक आखिरी बात, यहाँ आना मत भूलना, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हेयर्स वन लास्ट थिंग डोंट फॉरगेट टू कम हेयर, यानी एक आखिरी बात यहाँ आना मत भूलना। क्या आपको पता है हेयर्स हाउ का मतलब होता है ये देखिए, या ऐसे। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कहना हो ये देखिए आपको ऐसे खाना पकाना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हेयर्स हाउ यू शुड कुक इन दिस वे, यानी ये देखिए आपको ऐसे खाना पकाना चाहिए। अगर आपको कहना हो ये रहा असली हीरो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हेयर्स द रियल हीरो। अगर आपको कहना हो ये रहा असली उस्ताद, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हेयर्स द रियल टीचर, यानी ये रहे असली उस्ताद। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि हेयर्स वाले सेंटेंसेस को आप कैसे बोलेंगे और इनका क्या मीनिंग होता है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन्स के साथ, तब तक के लिए बाय।